तो दोस्तों देखिए, ये है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, ये मोहरेंगा गांव में पड़ता है। और ये देखिए अपना जिप्सी आ गया है। अब इस जिप्सी पर बैठकर हम देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। ये रहा हमारा जिप्सी और ये रहा वॉच टावर। वॉच टावर से देखिए काफी खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। नीचे हमारा जिप्सी खड़ा हुआ है। और ये वाला जगह तो फोटोशूट के लिए बहुत ही बेहतर लग रहा है। तो दोस्तों लगभग हम नेचर सफारी के पास पहुंचने वाले हैं और ये राजधानी रायपुर से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ का लोकार्पण हुआ है। हेलो गाइस, मैं हूँ अमन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सफ़र छत्तीसगढ़। और आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी। यहाँ पर आपको कई तरह के जानवर पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। अभी 2-4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ का लोकार्पण किए हैं। तो ये बिल्कुल नया जगह है, आप यहाँ घूमने के लिए आ सकते हैं और अंदर जिप्सी में घुमाया जाता है। तो चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं और पूरा चीज़ बताते हैं, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि यहाँ का टिकट क्या है, पार्किंग चार्ज क्या है और किस तरह किस कौन कौन से प्रकार के यहाँ आपको जानवर देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं और अंदर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देखिए, ये है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी, ये मोहरेंगा गाँव में पड़ता है। और यहाँ पर इधर जस्ट सफारी के मेन गेट के जस्ट साइड में आप पार्किंग वगैरह कर सकते हैं और इधर भी दोनों साइड में पार्किंग है। टू व्हीलर का क्या चार्ज है भाई? टू व्हीलर का 10 रुपये और फोर व्हीलर का? फोर व्हीलर का 50 रुपये। 50 रुपये, ठीक है। तो टू व्हीलर का यहाँ 10 रुपये है और फोर व्हीलर का 50 रुपये चार्ज है गाड़ी का, ठीक है। तो चलिए अंदर चलते हैं आपको लेकर। तो अभी हम कुछ ही देर पर अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे। तो ये रहा टिकट काउंटर। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ का टिकट कितना रुपये है। तो यहाँ का एंट्री टिकट 10 रुपये का है और अगर आप जिप्सी में बैठकर अंदर सफारी को घूमना चाहते हैं तो एक व्यक्ति का 150 रुपये आपको देना होगा। और अगर आप प्राइवेट वाहन ले जाते हैं तो आपको 500 रुपये देना होगा और 50 रुपये गाइड का देना होगा। तो दोस्तों देखिए, मैं अब अंदर आ गया हूँ। यहाँ पर 2-4 दिन पहले ही यहाँ लोकार्पण हुआ है और ये रहा देखिए पूरा सफारी का नज़ारा। और लोकार्पण होने के साथ ही यहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई है, लोग घूमने के लिए आते जा रहे हैं। इस नए साल में मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आएंगे। और चलिए आपको यहाँ का जिप्सी दिखाता हूँ कि जिप्सी कैसा है भी। देखिए यहाँ पर गार्डन भी है, ये रहा गार्डन यहाँ का। तो आप लंबा सफ़र करके आते हैं और थक जाते हैं तो इस गार्डन पर आराम कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ का ये जिप्सी देखिए, ये जिप्सी है, इसी जिप्सी पर आपको घुमाया जाएगा पूरा नेचर सफारी। जिप्सी का टिकट प्राइस मैं आपको एक बार और बता दूंगा कि कितना रुपए टिकट देना होता है, कितने लोग बैठ सकते हैं, कितना राउंड घुमाया जाता है, पूरा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ काफ़ी खूबसूरत सा गार्डन बनाया गया है, इसमें फूल वगैरह लगे हुए हैं, ये सब देखिए। अच्छा, यहाँ पे कई तरह के पेड़ वगैरह भी लगे हैं, जैसे ये है आंवला का पेड़ और ये देखिए ये क्या है देखते हैं, वन चेतना केंद्र मोहरेंगा। ये कैंटीन वगैरह है, देखिए ये कैंटीन है, ये कैंटीन है, इधर से आप जा सकते हैं। जानवरों के फ़ोटो लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ का कैंटीन है, अगर आपको नेचर सफारी आते हैं और कुछ खाने का मन करता है तो यहाँ पर आप खाना खा सकते हैं कैंटीन में। ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको छत्तीसगढ़ी व्यंजन खाने को मिलेगा, जितने भी छत्तीसगढ़ी व्यंजन हैं आपको सभी तरह के व्यंजन यहाँ पर खाने को मिलेंगे छत्तीसगढ़ी से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं आपको आज नेचर सफारी लेकर आ गया हूँ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे, मेरे साथ कुछ मेरे भाई ब्लॉगर भाई लोग हैं, उनसे मिलाता हूँ आपको।
सबसे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मेरा चैनल है ब्लॉगर राज शुक्ला के नाम से। मेरा नाम है हितेश कुमार, मेरे चैनल का नाम है हितेश कुमार एच के। मैं प्रवीण साहू और मेरे चैनल का नाम है वाइब्रेटर्स ब्लॉग्स। हेलो दोस्तों, मैं अमितेश सोई, मेरा चैनल आप देख सकते हैं यूट्यूब पे अमितेश ब्लॉग के नाम से वीडियो में। तो ये थे हमारे ब्लॉगर भाई लोग जो आज हमारे साथ आए हैं नेचर सफारी। जिप्सी में जाने के लिए अभी करीब 40 मिनट बचे हैं बोल रहे हैं, तब तक हम आपको लेक घुमाते हैं। इधर से रास्ता है लेक जाने का, तो चलिए फिर चलते हैं। पूरा प्राकृतिक नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जानवर के फ़ोटो भी लगे हुए हैं, जैसे ये है सांभर, इनको ये देखिए अलग अलग पशु पक्षी के फ़ोटो यहाँ पर लगे हुए हैं। और अंदर आपको देखने को भी मिलेंगे, जैसे ये देखिए पूरा प्राकृतिक नज़ारा है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं झील देखने के लिए, मेरे साथ राज भाई है। भाई कैसा लग रहा है यार यहाँ का नज़ारा? नज़ारा तो अभी तक अच्छा लग रहा है और बहुत शांत माहौल है अभी। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये लेक है, छोटा सा लेक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ़ोटोशूट के लिए तो बहुत बेहतरीन जगह है। तो काफ़ी खूबसूरत सा जगह है पूरा लेक, यहाँ पर लेक बना हुआ है, लेक के पास आप फ़ोटोशूट वगैरह करवा सकते हैं। हमारे ब्लॉगर भाई लोग हैं, वो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बीच बीच में आ भी सकते हैं। और ये वाला स्पॉट आप देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ़ोटोशूट की बात करें तो यहाँ पर फ़ोटोशूट के लिए ये बहुत अच्छा जगह है, तो यहाँ पर आप फ़ोटोशूट वगैरह भी करवा सकते हैं। शाम के टाइम यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए अब मैं आपको ड्रोन कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ, इस लेक का नज़ारा। तो अमितेश भाई यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे हैं, देखिए ड्रोन, ये रहा अमितेश भाई का ड्रोन। भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? यहाँ आके बहुत मज़ा आ रहा है यार। अच्छा, तो यहाँ आप एक बार ज़रूर आइए, काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है, पूरा प्राकृतिक नज़ारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और अमितेश भाई अभी ड्रोन उड़ा रहे हैं तो ड्रोन का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे कि ऊपर से ये जो लेक है कैसा दिखता है। तो दोस्तों देखिए ड्रोन कैमरे से लेक का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, चारों तरफ जंगल ही जंगल, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ पेड़ पौधे और ये लेक का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारा जिप्सी अभी आ गया है और इस जिप्सी पर बैठकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ कौन कौन से जानवर पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और जिप्सी में बैठते हैं। हम लोग जिप्सी में बैठ गए हैं। तो फाइनली हम जिप्सी में बैठ चुके हैं और निकल गए हैं यहाँ के प्राकृतिक जंगलों में रहने वाले प्राकृतिक जानवर और पशु पक्षियों को देखने के लिए। तो आप बने रहिए वीडियो में, और यहाँ तक आपने अगर वीडियो को देख लिया है तो पूरा ज़रूर देखिए, आगे और भी मज़ा आने वाला है। तो देखिए नेचर सफारी पूरा प्राकृतिक नज़ारा से, हरियाली से चारों तरफ घिरा हुआ है और अभी जिप्सी में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप लोगों को जिप्सी का टिकट प्राइस भी एक बार और बता देता हूँ, तो एक व्यक्ति का 150 रुपये है और एक जिप्सी में 5 लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी को दो ही लोगों को घूमना है तो 750 रुपये देने होंगे और एक राउंड घुमाया जाएगा जो कि 7 किलोमीटर का रहता है। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत नेचर सफारी है जो कि 1450 एकड़ में फैला हुआ है, और अब जिप्सी में घूमेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन अभी तक हम लोग 4 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुके हैं, अभी तक कोई जानवर या फिर पशु पक्षी दिखाई नहीं दिए हैं। ये प्राकृतिक जंगल है इसलिए यहाँ भी यहाँ प्राकृतिक तरीके से ही जानवर दिखाई देंगे। तो देखिए इस वाले जिप्सी से हम लोग बैठ के यहाँ तक आए हुए हैं और यहाँ पर वॉच टावर है इसलिए यहाँ पर रुके हुए हैं। वॉच टावर पर चढ़कर नेचर सफारी का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाएंगे, तो चलिए फिर चलते हैं। अभी जब जिप्सी में बैठकर आ रहे थे तो हम लोगों को कुछ जानवर तो नहीं दिखे। भैया यहाँ जानवर दिखने का टाइमिंग क्या रहता होगा? सुबह अपने 8-10 बजे चालू होता है तो उस समय दिखते हैं। अच्छा, 2-3 राउंड में दिखे। अच्छा, तो आप जब भी आते हैं तो सुबह ज़रूर आइएगा, सुबह 9 से 4 बजे तक ये खुला रहता है, तो सुबह हो सकता है आपको जानवर ज़रूर दिखेगा। तो जितना हो सके कि आप सुबह आने की कोशिश यहाँ करिए। और ये देखिए ये वॉच टावर है, तो चलिए आपको वॉच टावर पर चढ़कर यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं नेचर सफारी का। चलिए ये रहा हमारा जिप्सी और ये रहा वॉच टावर।
चलिए चलते हैं और वॉच टावर के ऊपर चढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको चढ़कर जाना होगा। यहाँ पर लोहे का सीढ़ी है। और 44 फीट ऊंचा ये वॉच टावर है। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए बीच बीच में बैठने की व्यवस्था है, आप बैठ सकते हैं और टी कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अब लगभग फर्स्ट फ्लोर में हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। और देखिए बीच बीच में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है भाई। थकान लग गया। वॉच टावर से देखिए काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है। नीचे हमारा जिप्सी खड़ा हुआ है और जिप्सी वाले भी हम लोगों को 10 मिनट दिए हैं यहाँ ऊपर आने के लिए, वॉच टावर घूमने के लिए। तो अभी 10 मिनट के बाद हम लोग नीचे जाएंगे और फिर एक राउंड घूमेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अगर यहाँ कोई जानवर दिख जाता है तो। अभी तक तो दिखा नहीं है, वैसे चीतल वगैरह जो भी यहाँ है वो दिखा नहीं है। बोल रहे थे कि सुबह दिखता है ऐसे बोल के। तो चलिए फिर चलते हैं, थोड़ा ड्रोन वोन शॉट ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। वॉच टावर घूम लिया है, अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे। जिप्सी वाले भैया वापस नीचे बुला रहे हैं, एक राउंड घूमे पी सकते हैं, आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है नेचर सफारी को। और नेचर सफारी में अभी तक तो हम लोगों को कोई जानवर वगैरह दिखा नहीं है। हो सकता है अभी एक राउंड बचा है तो एक राउंड जाएंगे तो उसमें दिख जाए कोई जानवर। तो दोस्तों मैंने वॉच टावर से आपको नेचर सफारी का नज़ारा दिखा दिया और ड्रोन शॉट से भी आपको नज़ारा दिखा दिया। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं और वापस अपने जिप्सी के पास चलते हैं। वो रहा हमारा जिप्सी, तो जिप्सी के पास वापस चलते हैं और एक राउंड और घूमेंगे और दिख। तो दोस्तों एक बार फिर से जिप्सी में वापस हम लोग बैठ गए हैं और 5 किलोमीटर का सफ़र अभी और जारी रहेगा। तो हो सकता है आगे कोई जानवर दिखेगा। तो ये नेचर सफारी है और नेचर सफारी में किसी भी जानवर को बाहर से ला कर डाला नहीं गया है, बल्कि जानवर बाहर से खुद आए हुए हैं और यहीं अपना बसेरा कर लिए हैं। जैसे कि चीतल हो गया, हिरण हो गया, जंगली सुअर हो गया और भी कई सारे देसी विदेशी पशु पक्षी जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो अभी पर्यटकों से कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो नया नया जगह है, नया नया बना है, इसलिए वो लोग शायद डर रहे होंगे पर्यटक से, तो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आगे कुछ जानवर दिख जाए। तो दोस्तों देखिए काफ़ी देर के बाद अभी एक हिरण दिखा है सामने, आप देख सकते हैं वो भी डर के भाग रहा है। अभी क्या है, नए नए लोगों को देख रहे हैं ना, इसलिए डर के भाग रहा होगा। क्या इस तरह से भीड़ भाड़ उन लोग देखे नहीं होंगे। वो देखिए दो हिरण दिख रहे हैं, दो तीन हिरण हैं यहाँ पर जो अभी डर के भाग रहे हैं। क्या है, पहली बार पर्यटकों को देख रहे होंगे। क्या है, इन लोग अकेला सुनसान जंगल में रहते हैं। तो लगभग अब हमारा सफ़र अब यहीं पर थोड़े ही दूर में ख़त्म होने वाला है। सामने एग्ज़िट गेट आने वाला है। तो सामने आप देख सकते हैं एग्ज़िट गेट आ गया और हमारा सफ़र आज यहीं पर समाप्त हो गया है नेचर सफारी का। नेचर सफारी में सिर्फ हिरण देखने को मिला है। हो सकता है आगे चल के कुछ दिनों बाद यहाँ और भी ज़्यादा जानवर देखने को मिले। दोस्तों हमने जिप्सी से नेचर सफारी का पूरा भ्रमण आपको करा दिया है और जब जिप्सी में घूम रहे थे तो हमको सिर्फ हिरण दिखा है और कुछ नहीं दिखा है यहाँ जानवर। ड्राइवर भी ये बता रहे थे कि सुबह सुबह काफ़ी सारे पशु पक्षी जो हैं यहाँ जानवर है वो दिखते हैं करके। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। यहाँ काफ़ी सारे पर्यटक लोग आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। चलिए भाई आप कहाँ से आए हैं। मैं कोसरंगी परसदा से। अच्छा परसदा से, आप कहाँ से आए हैं। कोसरंगी परसदा से।
अच्छा कोसरंगी परसदा से। तो भैया लोग जो है वो कोसरंगी परसदा गांव से आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। आप लोग देख के आ गए कि जा रहे हैं? अच्छा अभी जाएंगे। भाई लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो अंदर आप जाइए और देख कर बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा जानवर आपको अंदर दिखा है। ठीक है भाई? ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की और वीडियोस मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक ले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।